नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का अष्टम भाव गुप्त विद्या से संबंधित ज्ञान के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव से हम आयु, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए भी विचार करते हैं। शुक्र जो कि भोग का कारक ग्रह है, वो चला जाएगा अष्टम के घर में। यहां पर शुक्र जनरली सभी राशियों में तो इसके शुभ फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ, सप्तम का स्वामी हुआ, तब अष्टम में बैठेगा तो नुकसानदेह है। उच्च का मूल त्रिकोण राशि अथवा स्व राशि में बैठेगा तो उस स्थिति में यहां पर जातक को ज्यादा तो सुप्रभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अष्टम भाव ही एक ऐसा भाव है जहां पर लगभग सभी ग्रह चले जाएं तो नकारात्मक फल ही करते हैं। अब शनि की बात मुझे यहां मत समझिएगा, उसका मैं आपको शनि की वीडियो में बता दूंगा। अष्टम भाव में लगभग सभी ग्रह नकारात्मक फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, किंतु फिर भी कोई ग्रह यदि अपनी राशि का, उच्च राशि का अथवा मूल त्रिकोण राशि का बैठता है अष्टम भाव में और वो पाप प्रभाव से रहित हो, यानी न तो उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो और ना ही उसके साथ में पापक ग्रह विराजमान हो, वही अगर शुभ ग्रह भी उसके साथ नहीं है तो भी अच्छा है, और यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब ये श्रेष्ठ फलदायी भी हो सकता है। यस, अच्छा फल नहीं करेगा तो बुरा भी फल नहीं करेगा, ये एकदम क्लियर है। अष्टम भाव में शुक्र पापी प्रभाव होने पर जातक को गलत संगति मिल जाती है और गलत संगति में जातक पड़कर अपने जीवन के मार्ग से वो भटक जाता है। ये भी तो एक कहावत है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। व्यक्ति जैसी संगत में रहेगा उसका जीवन उसी प्रकार के रंगत में आ जाएगी। तो यहाँ पर शुक्र जनरली ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होगा, किंतु फिर भी अपनी राशि का बैठेगा तो अपने बुरे फल में कमी करने का प्रयास करेगा। उच्च राशि का रहेगा फिर भी ज्यादा श्रेष्ठ फल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने प्रारंभ में बताया कि पाप प्रभाव न हो तब ये शुभ फल ही करेगा, आपको नकारात्मक फल नहीं दे सकता। अष्टम के शुक्र के बारे में आपको और भी ज्यादा, आपको कई लोगों ने बताया होगा बुरा फल इसका, लेकिन मैं जनरली किसी भी वीडियो में किसी भी ग्रह का जहां तक कि निगेटिव फल नहीं बताता। कारण है कि एक ग्रह से कभी ये निष्कर्ष हो ही नहीं सकता कि वो अकेला शुभ फल करेगा या अशुभ फल करेगा। यहां पर हम शुभ स्थितियों की चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी की कुंडली को लेकर चर्चा करते हैं। यदि किसी की कुंडली को लेकर चर्चा करेंगे तो पर्सनली उस जातक के लिए उस ग्रह का फल शुभ अथवा अशुभ मिलेगा जिस जातक का जन्म कुंडली होगा। तो इसलिए एक ग्रह पर कभी ये दावा भी नहीं करना चाहिए कोई भी ग्रह यही फल करेगा। कॉम्बिनेशन पकड़ना पड़ता है, किस भाव का स्वामी है वो, किस स्थिति में है, बलि है, निर्बल है, पाप प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, सूक्ष्म एनालिसिस करनी पड़ती है। किंतु फिर भी उच्च का स्व राशि में इसके शुभ फल देखने को मिलेंगे, और ये यहाँ पर मित्र राशि, शत्रु राशि और नीच राशि में तो कतई शुभ फल नहीं करेगा। जब ये मित्र राशि और शत्रु राशि में जो कि बाकी भावों में शुभ फल करता है, इस भाव में शुभ फल नहीं करेगा, तो नीच राशि में क्या खाक शुभ फल करेगा? नहीं करेगा। इसके शुभ फल को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि किस लग्न की कुंडली के लिए हम विचार कर रहे हैं शुक्र के लिए।